मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, तुम्हारी नानी चाहे यहाँ तुम्हारे सामने हो या ना हो, लेकिन उनके अनुभवों की नजर इतनी तेज है कि वो दूर से ही देखकर बता सकती है कि लोगों के बीच नजदीकियां हैं या कितने फासले हैं। इसलिए बेहतर होगा कि उनको यही लगे कि तुम और गोपी वह एक दूसरे के करीब हो। समझी गए हो? वो टीवी का रिमोट यहाँ है, मुझे टीवी देखना है। हाँ, क्यों नहीं भाई, ये लो रिमोट, बैठो और देखो, तुम्हारा ही घर है। अरे किंजल दिकरा, तुम्हें पता है अभी अभी तुम्हारे अहम भाई आए थे अपनी पत्नी को वापस अपने घर ले जाने के लिए। बाहर गोपी को बुलाया और लेकर चले गए, इसीलिए तुम उनसे मिल नहीं पाए। गोपी भाभी को ले गए हैं। लो, बाहर बच्चों ने खेलना शुरू कर दिया। अब अगर मैंने स्कूटर को दूसरी जगह पार्क नहीं किया तो स्कूटर की शामत है। चलो मैं जरा बदल के आता हूँ उसकी जगह। उफ, कितनी धूल है यहाँ। अब क्या करे बेटा, घर में साफ सफाई नहीं होगी तो धूल तो उड़ेगी ही ना। मैं एक काम करती हूँ, मैं काम वाली को वापस बुला लाती हूँ और उससे पूरी साफ सफाई करवा लेती हूँ। ऐसे भी ये काम तो गोपी का था, पर अब तो वो चली गई है ना बेटा। अरे क्या हुआ, अब तुम तो शायद टीवी देखने आई थी ना, तो देखो ना टीवी। नहीं नहीं, मैं अपने रूम में जाती हूँ वरना बीमार पड़ जाऊंगी। सारू, बीमार पड़ जाऊंगी, मरा ठेंगा थी नौटंकी कहेगी। कागड़ी तो यहाँ से चली गई, अब इस डोशी से संदूक का राज खुलवाती हूँ। नानी और मनी? नहीं राशि। क्या बात है, आप यहाँ अकेली क्यों बैठी है? नानी मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ, शायद आपको पसंद आए। छास लाई है? नहीं नहीं, वो फैशन मैगजीन। इस पन्ने पर लिपस्टिक के कितने प्यारे प्यारे रंग हैं, मेरे पास ये सारे हैं। आप लगा के देखेंगी आपको बहुत पसंद आएंगे। अरे वाह, तो बहुत सरस छे, पर मैं तो डोसी हूं ना। नानी आप भी कैसी बातें कर रही हैं? देखिए आप इतनी गोरी हैं, आप पे तो सारे रंग खिलेंगे। वो तो है मैं, हाँ, लेकिन तू सांभर, कोयली को मत देना और उसको बताना भी नहीं। ला मैं तुझे लगा के दिखाती हूँ। हाँ सुन, वह दराज में मेरा छोटा शीशा है, वो निकाल दे। नानी वो क्या है ना, इतने छोटे शीशे में ठीक से दिखेगा नहीं, वहाँ बाथरूम में इतना बड़ा शीशा लगा हुआ है, वहाँ बहुत अच्छे से दिखेगा। हाँ हाँ ये बात तो तेरी सच है, मैं जाके बाथरूम में लगाती हूँ, अब भी आई। ताला
आ रही है। लगता है इसमें काफी सारा कीमती सामान होगा। आशी? थी नानी वो मैं डरी गई। बहुत सारू थे दिख रहा कि तूने इसे उठा लिया। ऐसे भी मैं इसे किसी और जगह पे रखने वाली थी, सुरक्षित स्थान पर, बिल्कुल मेरे बिस्तर के पास, जहां से मेरी इस पर हर वक्त नजर रहे। अब तूने उठा ही लिया है तो तू रख भी दे। जी उधर नहीं, इधर बिस्तर के पास। अरे नहीं उधर भी नहीं, ये बिस्तर बिस्तर के पास रख। हाँ यहाँ। अच्छा नीचे मत रख। और मैं बिस्तर पे सोऊंगी तो मुझे दिखेगा कैसा। बिस्तर के नीचे पाटला है, वो बाहर निकाल और उसके ऊपर रख। जी पटकना नहीं, जरा धीरे से रखना। संभाल के रख अभी आहिस्ता, फिर से पटकना मत। अब इसे धक्का मार, धक्का मार इसे, धीरे धीरे बेटा, पैर से नहीं। अब इधर, अब मुझे बता ये तूने जो मुझे रंग दिया था वो मैंने लगाया है, मुझ पर कैसा खिल रहा है ता? नानी बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया। तो एक काम कर, वो दूसरे जो चार पांच रंग है ना वो भी मुझे दे दे, एक के बाद एक मैं तुझे लगा के दिखाती हूँ और तू मुझे बताना कि कैसा खिल रहा है मेरे पे। है नहीं नहीं नानी, वो क्या है ना, मुझे नीचे खाना बनाने की तैयारी करनी है, मैं बाद में आती हूँ। ठीक है ठीक है। मुझे इतना तो यकीन है कि संदूक में काफी सारी कीमती चीजें होंगी क्योंकि वो संदूक कितना भारी था। मणि वो दाल काकी जी, मैं आपकी कुछ मदद करूं? हाँ वो देखना, मणि दाल चढ़ा रही है, मुझे उससे सूखी हुई मिर्चें मंगवानी है, तो एक काम कर दाल तू चढ़ा दे, मणि मिर्चें ले आएगी। मणि जा सूखी मिर्चें ले आ। जी भाभी।
गोपी, क्या बात है बेटा, तबीयत ठीक नहीं है? गोपी, क्या अहम ने तुम्हें बताया था कि उसकी नानी आई है? कोई बात नहीं काकी जी, नानी के पानी से ही मुझे अब सबके साथ थोड़े और दिन रहने का समय मिल गया। और काकी जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी हो रहा है, खाना जी ने सब मेरे लिए देखी है ना काकी जी? नहीं गोपी, ऐसा नहीं सोचते। मुझे पूरा यकीन है मेरी इस प्यारी सी बच्ची के लिए कान्हा जी ने जरूर कुछ अच्छा सोच रखा होगा। सच